हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है उन सभी को एनालाइज करेंगे। तो आज का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम, मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, पहला आज का आर्टिकल जो है ये रिलेटेड है पेपर 2 से, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। मेनली पॉलिटी वाला जो सेक्शन है जिसमें आप ये वाले टॉपिक फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक से इन दोनों इश्यूज को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इन दोनों इश्यूज में आपको एक टसल देखने को मिलती है। ये टसल है बिटवीन द सीएम ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में ये टसल आपको देखने को मिलती है। बेसिकली ये टसल सिर्फ सीएम और गवर्नर के बीच में नहीं है, ये टसल है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नर आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं स्टेट में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर, और सीएम और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी सीएम एंड गवर्नर के बीच में टसल होती है, हमेशा याद रखना वो सिर्फ सीएम और गवर्नर के बीच की टसल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की टसल है। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है फेडरलिज्म, ये यहाँ पे आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। और इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर के टॉपिक में हमने इस पूरे दोनों टॉपिक्स को रखा है, दोनों इश्यूज को रखा है। पहला इशू बोलता है कि पंजाब के गवर्नर जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने वाइस चांसलर बनाया है किसी को। यहाँ पे किसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाया है किसी को, और पंजाब के गवर्नर इससे खुश नहीं है। तो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जो ये अपॉइंटमेंट किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब बातें हो रही है। केरला के सीएम और केरला के गवर्नर के बीच भी इस तरह से भिड़ंत एक शुरू हो गई है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने ये कहा कि देखो भाई, जितने भी मिनिस्टर्स हो केरला के, तुम कुछ भी बात मत करो, तुम बार बार अनडिग्निफाइड या ऐसी बातें जो डिग्निटी के अगेंस्ट है गवर्नर के ऑफिस के, ऐसी बात करोगे तो तुम्हें मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दूंगा। ठीक है, तो बार बार केरला के जो गवर्नर हैं वो धमकी दे रहे हैं केरला के मिनिस्टर्स को कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पोजिशन से हटा दूंगा। ठीक है, नाउ इन दोनों में आप देख रहे हो सीएम और गवर्नर के बीच की टसल है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर के बीच की टसल है। तो इसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, गवर्नर का रोल समझते हैं। पहली चीज तो ये कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता होने चाहिए गवर्नर से रिलेटेड। पहली चीज ये कि आर्टिकल 153 बात करता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, और ये गवर्नर एक ही पर्सन, दो स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है, दो से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है, टू और मोर स्टेट्स का गवर्नर ये हो सकता है। दूसरी चीज ये कि गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, एंड ये जो होगा, ये जो गवर्नर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होगा इन द स्टेट। ओके, तीसरी चीज ये कि गवर्नर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे, और ये जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट की, उनकी एडवाइस, एड इन एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो गवर्नर है, लेकिन उनका काम वगैरह जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो होगी विद द एड इन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड ही विल बी अ वाइटल लिंक बिटवीन गवर्नर, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये सारी चीजें बताती है कि देखो भाई, जो गवर्नर है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो बहुत स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जा रहा है स्टेट का, लेकिन वही चीज हमारे सेंटर में भी होती है। सेंटर में आप देखते हो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है पूरे भारत का, लेकिन एक्चुअल में जो डी जुरे आप बात करोगे, डी जुरे हेड तो प्रेसिडेंट है, लेकिन डी फैक्टो अगर आप देखोगे यानी कि असल में सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है, वैसा ही स्टेट में भी है। गवर्नर के पास सारी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में सारी पावर्स जो हैं वो सीएम एंड मिनिस्टर्स के पास हैं। ओके, तो अभी कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं बार बार गवर्नर के रोल को लेकर। ये कहा जा रहा है कि गवर्नर बार बार हर स्टेट में यहाँ पे अड़ंगे ला रहे हैं, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं और पावर को अब्यूज कर रहे हैं
बेसिकली ये पावर को अब्यूज सिर्फ गवर्नर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और बेसिकली स्टेट की फंक्शनिंग में किसी ना किसी तरह से बाधा डालने की कोशिश कर रहा है सेंटर, और यहाँ पे हर स्टेट को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है सेंटर यूजिंग द गवर्नर्स पोजिशन, ये एलिगेशन लग रहे हैं। दूसरी चीज, बायस्ड आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है। गवर्नर जो है वो ज्यादा ही फेवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेक को रेदर देन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग तो ये भी एलिज करते हैं कि गवर्नर जो है ये पपेट रूलर्स बन गए हैं, ठीक है। पपेट रूलर यानी कि इन्हें पपेट की तरह चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये उस हिसाब से रूल कर रहे हैं स्टेट के ऊपर, और इनका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है और मिसयूज भी कर रहे हैं ये पावर का। ये जो केरला के, जैसे अभी हमने देखा केरला के गवर्नर बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हें पद से हटा दूंगा मिनिस्टर के, ठीक है। अब भाई इसके बारे में बात करेंगे कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि मिनिस्टर को अपने मर्जी से वो हटा सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये एडिटोरियल, देखो ये एडिटोरियल आया है इसी पूरे आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे केरला का मुद्दा उठाया गया है, केरला के जो सीएम है, बेसिकली केरला के सीएम एंड मिनिस्टर्स जो है वो कुछ कुछ बात कर रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या, एक यहाँ पे बिल थी, ये बिल थी रिगार्डिंग द केरला यूनिवर्सिटी लॉ। ओके, केरला यूनिवर्सिटी लॉ से रिलेटेड ये बिल थी। अब ये बिल पूरे हाउसेस से पास होकर गवर्नर के पास गई असेंट के लिए, गवर्नर ने इस बिल को रोक लिया है ना, वापस भेज रहे हैं हाउस में कि रिकंसिडरेशन कर लो, ना कुछ असेंट दे रहे हैं, उन्होंने अपने पास होल्ड कर लिया इसको। तो यहाँ पे केरला के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नर को या तो बिल रिटर्न कर देना चाहिए हाउस को कि रिकंसिडर करके फिर भेजो, या फिर आप यहाँ पे असेंट दो। ये विदहोल्ड करके क्यों आपने रखा है, वो भी इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो यहाँ पे टसल शुरू हुई, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और गवर्नर के बीच में। तो गवर्नर ने इसके रिएक्शन में ये कहा कि देखो भाई, जो भी मिनिस्टर आप हो, आप मिनिस्टर होगे, लेकिन आप गवर्नर की जो ऑफिस है उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, उसकी डिग्निटी की इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको मिनिस्टर के पद से ही हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या गवर्नर के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मिनिस्टर जो है ये होल्ड कर सकते हैं, मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि मिनिस्टर तब तक ही पोजीशन होल्ड करेंगे जब तक उनके पास प्लेजर ऑफ गवर्नर है, यानी कि गवर्नर की रजामंदी है। लेकिन एक्चुअल में ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नर की रजामंदी या गवर्नर का प्लेजर जो है वो मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है सीएम का प्लेजर, सीएम का जो यहाँ पे रजामंदी हो। तो बेसिकली ये चीज चीफ मिनिस्टर के लिए है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन अगर कोई ऐसी आती है जहाँ पे लेजिस्लेचर का मेजोरिटी ये बोलता है कि भाई इस मिनिस्टर को हटा दो, तो सीएम के रिकमेंडेशन पर गवर्नर ऐसा कर सकते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुडिशियली डिटरमाइंड है कि कभी भी मेजोरिटी का क्वेश्चन आता है तो लेजिस्लेचर उसको कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू काउंट करता है, ठीक है। तो गवर्नर के पास ये इंडिपेंडेंटली पावर नहीं है कि किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर दिए, कर सकता है लेकिन ऐसे समय पे ही कर सकता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। तो ये जो प्लेजर ऑफ गवर्नर लिखा है ना, ये प्लेजर ऑफ गवर्नर बस एक टर्म लिख दी गई है, अल्टीमेटली ये प्लेजर ऑफ गवर्नर नहीं है, प्लेजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है या प्लेजर ऑफ सीएम आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ऐसे इश्यूज बहुत बार होते हैं, जैसे हमने देखा ना पंजाब में भी एक ऐसा ही इशू हुआ गवर्नर और सीएम के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा इशू होने ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हायर एजुकेशन में, क्योंकि जो चांसलर का ऑफिस है, किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर का ऑफिस, वो ऑटोमेटिकली गवर्नर के पास होता है, और ये चीज डिसाइड हुई है एक स्टैट्यूट के थ्रू, एक लॉ के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है उन्होंने एक लॉ बनाया है और इस लॉ के हिसाब से गवर्नर जो है वो ऑटोमेटिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसके चांसलर बन जाते हैं। लेकिन ये तो एक लॉ के थ्रू बनाया गया है ना, चाहे अगर लेजिस्लेचर तो ये लॉ हटा के चेंज कर सकती कि गवर्नर नहीं रहेंगे भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रहेंगे। और इनफैक्ट आप देखोगे पुंछी कमीशन जो है, इन्होंने तो ये भी कहा था जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये रिव्यू कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि गवर्नर को हमें एक्स्ट्रा बर्डन हमें नहीं देना चाहिए और इन्हें चांसलर के रोल से मुक्त कर देना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो देखो दो चीजें होंगी, एक तो बर्डन कम होगा गवर्नर के ऊपर से, और दूसरा ये जो टसल होती रहती है बार बार गवर्नर और सीएम के बीच में, ये भी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर पैरेलल पावर सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल के एजेंट जरूर है, लेकिन उनको काम फिर भी स्टेट के हित में करना है, स्टेट के वेलफेयर में करना है। इनका काम एक्चुअल में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना, और जहां पे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट जा रही है
या कोई भी मिनिस्टर अगेंस्ट जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्हें सबक सिखाना, उनको बेसिकली कॉशन देना कि देखो भाई ऐसा मत करो, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होती है। तो कायदे से देखा जाए तो गवर्नर के पास, केरला के गवर्नर के पास कोई राइट नहीं है किसी भी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंटली हटाने का बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के। ओके, समझ गए। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू डेवलप मॉड्यूल्स ऑन ड्रग अब्यूज दैट कैन रेंडर एज ऑर्डर। तो बेसिकली ये ड्रग माफिया जो है हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, ड्रग मिनास जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और ये जो टॉपिक है आप जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि कुछ मॉड्यूल्स बनाओ जिनको आप ऑर्डर की तरह यूज कर सको ये ड्रग अब्यूज को कम करने के लिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इस नार्को टेरर एंगल को खत्म ही नहीं कर पा रही है। ड्रग मिनास इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में कि कोविड का एक ऐसा भी टाइम था जब कोरियर सर्विस यूज की जा रही थी ये ड्रग्स को पहुंचाने के लिए एक दूसरे की जगह, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है कि इसको भेद पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि ड्रग अब्यूज को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ड्रग अब्यूज एक इंपॉर्टेंट और एक मेजर कारण है जिसके पीछे जो हीनस क्राइम्स होते हैं ना, उसके पीछे एक मेजर कारण जो है वो ड्रग अब्यूज है। दूसरा, केरला की हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि यहाँ पे जो पुलिस है, कैंपस पुलिस यूनिट हमको एस्टेब्लिश करनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके साथ क्या होगा कि इससे ड्रग मिनास के ऊपर हम ध्यान रख पाएंगे। पंजाब और हरियाणा में भी इसी तरह की कुछ ना कुछ चीजें लागू करने की बात हुई है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैप जरा देखो कि इंडिया में इतना ड्रग मिनास का इशू क्यों है। इंडिया दो चीजों के बीच में पड़ता है, एक है गोल्डन क्रीसेंट, दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रीसेंट में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों मेजर ड्रग एरियाज हैं, और इन दोनों के बीच में एक रूट पड़ता है, ठीक है, जो जहां से यहाँ से सारी तस्करी और स्मगलिंग होती है, ये रूट पड़ता है इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो इंडिया चाहे ना चाहे इन दोनों के बीच में पड़ जाता है, इन दो बड़े ड्रग ब्लॉक्स के बीच में। इसीलिए इंडिया में ये ज्यादा इशू है। और क्यों हमारे देश में इतना वल्नरेबिलिटी है रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स? तो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ओके, ये दोनों मेजरली ओपियम प्रोडक्शन रीजन है। गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन आता है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में आता है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मेंस के आंसर्स में इस तरह का डायग्राम बना के कोट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, अफगानिस्तान में काफी लंबे समय से ओपियम की बंपर हार्वेस्ट हो रही है, और जब से तालिबान आया तब से तो इस पर कोई रोक ही नहीं है। यहाँ पे डार्क नेट भी यूज किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क नेट यूज किया जा रहा है, कोरियर्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं इस तरह की स्मगलिंग करने के लिए। ओके, तो ये थी पूरी न्यूज रिगार्डिंग ड्रग माफिया एंड इंडियाज एफर्ट। दूसरा एक इशू है, स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम, सेज पीएम मोदी। तो बेसिकली कल की एक न्यूज थी जिसमें इंटरपोल ये कहता है कि भैया इंटरपोल का काम है जो क्राइम लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करना सभी देशों में। जो ऐसे चीजें आती है ना, ऐसे क्राइम होते हैं जैसे रेप्स हो गए या मर्डर्स हो गए, जेनोसाइड हो गया, या इस तरह के जो भी चीजें हैं, ये बड़े जो क्राइम्स हैं जो ज्यादा तादाद में होते हैं, इन क्राइम्स की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करें, या ऐसा इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू चल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को टेररिज्म फैलाने से रोकें। हमारा मेजर ध्यान है बड़े क्राइम्स पे जो ज्यादातर होते हैं। तब इसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि देखो भाई ऐसा नहीं है, 90 डिग्री इंटरपोल जनरल असेंबली यहाँ पे हुई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मोदी जी ने कहा कि देखो ट्रांसनेशनल टेररिज्म को हमको ही खत्म करना है, ठीक है, और यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन कर लें, वार्निंग सिस्टम लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हम मिले हमें, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे क्राइम को खत्म कर सकते हैं, इसमें भी टेररिज्म को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। पेपर 3 से रिलेटेड ये टॉपिक है, इन दो टॉपिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, और चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी के इस टॉपिक से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। याद रखना, एनएसए अजीत डोभाल जी ने एक बार कहा था कि आजकल जो वॉर लड़ाई जा रही है ना, वो अलग अलग फ्रंट्स पे है। इसका एक फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर आया है जिसमें सिविल सोसाइटी को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाया जा रहा है। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको सबवर्ट होने से, मैनिपुलेट होने से पुलिस बचाए। बेसिकली ये एक बेसिकली आपके लिए एक इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन के तौर पर काम
काम कर सकता है, इस तरह के स्टेटमेंट। ओके, आगे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इंडिया क्या क्या स्टेप्स अभी तक ले चुका है इस तरह के क्राइम्स टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो 2018 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिमांड करी थी कि कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पास किया जाए और एक टेररिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जिसके थ्रू टेररिस्ट को हम सैंक्शंस लगा सकें टेररिस्ट के ऊपर। दूसरी चीज, जनवरी 2021 में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन आया जिसका नाम था 1373। ठीक है, 1373 रिजोल्यूशन की 20th एनिवर्सरी बेसिकली मनाई गई जिसमें इंडिया ने 8 पॉइंट एक्शन प्लान रखा था टेररिज्म से लड़ने के लिए। इसके साथ कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो काम करती हैं बॉर्डर क्राइम्स को कम करने का। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का जिसमें जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स करते हैं उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे पास जो काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स के फॉर्म में काम करती है। एंड देन पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये एक टेररिज्म के अगेंस्ट हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमने चलाए हैं जैसे ऑपरेशन रक्षक है, ऑपरेशन सर्प विनाश है, ऑपरेशन ऑल आउट है। ऑपरेशन रक्षक हमने जम्मू कश्मीर में चलाया था 1990 के टाइम पे, सर्प विनाश हमने जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल एरिया में 2003 के आसपास चलाया था। फिर 2017 में भी टेररिज्म को कर्ब करने के लिए हमने ये 2017 में ऑल आउट चलाया था। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपके मेन्स के आंसर में आपको काफी मदद करेंगी। ओके, आगे बात कर रहे हैं। देन देखो, गवर्नमेंट स्टार्ट स्प्रेइंग बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन इन फील्ड्स एज AQI रिमेन्स पुअर। बेसिकली GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। हो क्या रहा है, देखो दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फार्मर्स जो हैं यहाँ पे कुछ पैडी वगैरह उगाते हैं, राइस वगैरह उगाते हैं। अब इनका राइस हार्वेस्ट इन्होंने कर ली, हार्वेस्ट करने के बाद अब समय आ गया दूसरा क्रॉप उगाने का। अब ये दूसरा क्रॉप उगाने का समय आ गया लेकिन यहाँ पे जो पहला क्रॉप उगाया था उसके डंठल रह गए हैं, जो सबल है वो रह गया है। अब दो ऑप्शन है, या तो इस सबल को जला के खत्म कर दो, बर्न कर दो इस सबल को, या फिर इस सबल की मैनुअल तरीके से एक एक सबल हटाओ और फिर दूसरा क्रॉप लगाओ। अब ये मैनुअल तरीका बहुत मेहनत वाला तरीका है, इसमें पैसा भी लगता है, एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी लगता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, इस पूरे सबल को बर्न कर देते हैं, पूरी अपनी जो एरिया है ना, फील्ड है, उसको आग लगा देते हैं। तो ये सबल जो डंठल है ये खत्म हो जाते हैं और दूसरा क्रॉप लगा देते हैं लोग, इसको कहते हैं हम सबल बर्निंग। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली ने एक यहाँ पे इनोवेशन निकाला है, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इन्होंने कहा है कि देखो भाई तुम ये मत करो, मैनुअल तरीके से मत करो, बर्न भी मत करो, हम तुम्हारे यहाँ जो जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें एक बायो डिकम्पोजर छिड़केंगे और इस बायो डिकम्पोजर को जब हम छिड़केंगे तो तुम्हारा ये जो सबल है ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएगा और एक मैनुअल बन जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज होके मैनुअल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे खाद की तरह काम करेगा तुम्हारा ये सबल, तो तुम्हारा अगला क्रॉप को भी बेनिफिट होगा। तो बेसिकली बायो डिकम्पोजर लेकर आया है कौन, दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पे पूसा जो यूनिवर्सिटी है, पूसा इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये बायो डिकम्पोजर बनाया और सभी जगह पे ये बायो डिकम्पोजर डाला जा रहा है सो दैट सबल बर्निंग ना हो। ओके, अब बात होती है AQI। ये AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2014 में आया, इसका फुल फॉर्म या इसका एक आउटलाइन, एक रिफ्लेक्शन, एक टैग ये बोल सकते हो, वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। बेसिकली यहाँ पे कॉमन मैन को बताने के लिए ये स्कीम लाई गई कि एयर क्वालिटी आपके आसपास कैसी है। तो इसमें बेसिकली 8 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर मैटर 10, पर्टिकुलर मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये 8 जो हैं पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सवाल बन सकता है। AQI जो है 6 कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को डिवाइड करती है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। ये जो पूरा डेवलपमेंट है ये CPCB ने किया है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है विथ IIT कानपुर। ऑलराइट, और देखो आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट इशू आता है हमारा, लॉ मिनिस्टर जो है बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अनॉयड हो गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजियम की कहानी खत्म ही नहीं हो रही। अभी कॉलेजियम हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, कॉलेजियम क्या है, बेसिकली जजेस जो हैं, जजेस को अपॉइंट करने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 124 में कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, CJI को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट कैसे करेंगे, अकेले तो नहीं कर सकते, लॉ मिनिस्ट्री की मदद से करेंगे। तो लॉ मिनिस्ट्री चाहती है कि हम बताएं ना भाई कौन, हम सुप्रीम कोर्ट जजेस हम किसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है, और इनका कहना है कि ये तो अलग ही नया नाटक है कि जजेस जो है वही अपने भाई जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ऐसा बाकी कहीं तो नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट की जॉब है जजेस को अपॉइंट करना, ये क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल रिलेटेड है GS पेपर 2, इन दो टॉपिक से, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी। ओके,
देखो यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। 124 क्लॉज 2 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर द कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स। ओके, यहाँ पे कंसल्टेशन वर्ड है। आर्टिकल 217 बोलता है कि हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वुड बी डन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी कंसल्टेशन से होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, लेकिन कंसल्टेशन के साथ। कंसल्टेशन किसकी होगी? जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं और सीजीआई हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होना चाहिए। यहाँ पे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कॉन्करेंस कह दिया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कंसल्टेशन का मतलब होता है रजामंदी, ठीक है, या फिर एक राय लेना। तो प्रेसिडेंट राय ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंसल्टेशन का मतलब राय नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है, यानी कि सहमति। अगर आप यहाँ पे सीजीआई की सहमति या सुप्रीम कोर्ट जजेस की सहमति नहीं है तो आप अपॉइंट ही नहीं कर पाओगे। तो प्रेसिडेंट के हाथ बंद गए, प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर नहीं रही, लॉ मिनिस्ट्री के हाथ में कोई पावर नहीं रही, सारी पावर चली गई सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के पास। और इसी को कहते हैं कॉलेजियम, ठीक है, यानी कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करना होगा जजेस का। तो ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड करेगा खुद जजेस की एक बेंच, जजेस की एक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई एक्ट नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम इवॉल्व हुआ 3 जजेस केस से, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस बोलता है कि जो सीजीआई की रिकमेंडेशन है उसको प्राइमेसी मिलेगी, ठीक है, उसको प्राइमेसी मिलेगी, और एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी जो है वो खत्म होगी, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे जो सीजीआई है उनकी रिकमेंडेशन को माना जाएगा। दूसरा आया सेकंड जज केस, जहां पे ये बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है, ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ राय ले रहे हो, आपको इनकी सहमति के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। थर्ड जज केस आया जिसने बोला कि कॉलेजियम का मतलब होगा एक तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, ये सब मिलकर जो है, इस थर्ड जज केस में बोला गया कि सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ये सब करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का बना हुआ है, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई दखल अंदाजी नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलती। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म चलता है, यानी कि भाई भतीजावाद चलता है, कंट्रोवर्सीज बहुत होती रहती हैं, और यहाँ पे टैलेंटेड जूनियर जजेस जो है उनको समय ही नहीं मिलता, उनको मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे। मतलब बेसिकली ये है ना कि जो छोटा जज चापलूसी करेगा बड़े जज की, उसको ही आगे जाके मौका मिलेगा, बाकियों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, एनजेएसी इसका नाम है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है अगला सुप्रीम कोर्ट जज, या ट्रांसफर वगैरह कैसे करना है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने यूनिलैटरली अकेले से ही पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हम नहीं मानते, ठीक है। और अभी आज के समय पे भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। ओके, समझ गए ये पूरी बात। अब देखो कुछ छोटे छोटे इश्यूज। पहला इश्यू जो प्रिलिम्स के लिए याद रखना है वो ये कि श्रीलंका के ऑथर शेहान करुणतलिका को बुकर प्राइज मिला है इनकी आफ्टर लाइफ थ्रिलर के लिए, ठीक है, एक इतना छोटा सा फैक्ट याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जापान की एम्बेसी जो है इंडिया में, उन्होंने अपने किसी एक चीज के लिए जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन करवाया जिसका नाम है निहोनशु, ठीक है, बेसिकली एक अल्कोहलिक बेवरेज है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये जीआई टैग जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान की एम्बेसी या किसी और देश की एम्बेसी ने इंडिया में रजिस्टर कराया अपना जीआई टैग। तो जीआई टैग बेसिकली क्या है? ये एक इंडिकेशन है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स को बेस्ड अपॉन देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली ऐसा है कि मान लो कि एक कोई चीज है, ठीक है, जैसे दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट अ जीआई टैग। दार्जिलिंग टी का मतलब ये कि ऐसी चाय जो दार्जिलिंग से प्रोड्यूस होती है, काफी अच्छी चाय होती है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे कोई से भी चाय लेके बोल दे रहे थे कि तो दार्जिलिंग चाय है। ऐसे में क्या हो रहा था कि दार्जिलिंग चाय का नाम खराब हो रहा था, और जो एक्चुअल बेनिफिट दार्जिलिंग के लोगों को मिलना चाहिए ये चाय प्रोड्यूस करने के लिए, वो बेनिफिट इनको मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में जीआई टैग आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये बोला गया कि दार्जिलिंग टी जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिला है, यानी कि दार्जिलिंग टी ही यहाँ पे
दार्जिलिंग टी का नाम यूज कर सकती है और कोई भी और इनका नाम यूज करके या इनका दूसरा प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकता, ठीक है, इस जैसा। तो जीआई टैग जो है बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू यहाँ पे रेगुलेट होते हैं। इनको गवर्न और डायरेक्ट किया जाता है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के थ्रू जिसका नाम है ट्रिप्स, और यहाँ पे प्राइमरली ये एक एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग दिया जा सकता है अंडर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ट्रिप्स के साथ साथ। वैलिडिटी यहाँ पे 10 साल की है और सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को ये टैग मिल जाता है तो कोई भी पर्सन या कंपनी ऐसा सिमिलर आइटम बना के बेच नहीं सकती इसके नाम से। तो जीआई टैग बेसिकली एक्सपोर्ट्स के लिए भी मदद करता है। जो कस्टमर्स, जैसे मान लो किसी कस्टमर को दार्जिलिंग टी चाहिए और ये कस्टमर यूएस में है, ठीक है, तो इसको दार्जिलिंग टी ही मिले और कोई फर्जी सामान ना मिल जाए, इसका ध्यान रखता है जीआई टैग। ओके, तो ये ऑथेंटिसिटी भी इंश्योर करता है। तो आज के इतने ही आर्टिकल्स थे हमारे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बताना प्रेजेंटेशन कैसा लगा आज का, ठीक है, प्रेजेंटेशन आज का कैसा लगा। और अगर आज का पूरा ये जो सेशन है अच्छा लगा है आपको, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।